केरल पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद काफी हड़कंप मचा था। वीडियो में बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी बार बार लात से मारते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद केरल सरकार ने उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है जिसने ट्रेन में एक शख्स को बिना टिकट के होने पर लात घूसों से उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस की बेरहमी का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया था जिसके बाद राज्य पुलिस की काफी आलोचना शुरू हो गई थी। ये वीडियो करीब करीब 20 सेकंड का है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक ट्रेन के डब्बे में दरवाजे के पास नीचे एक व्यक्ति बैठा है। उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी बार बार लात से मार रहे हैं। पुलिस की पिटाई से बार बार वह व्यक्ति ट्रेन के फर्श पर गिर जाता है। जब उस शख्स की पिटाई हो रही थी उस वक्त पुलिस का एक और जवान के साथ साथ रेलवे का एक अधिकारी भी वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे। घटना रविवार को मावाली एक्सप्रेस ट्रेन की है। कुन्नूर के पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को मीडिया को बताया कि विशेष शाखा के एसपी से इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल उस पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि रेलवे पुलिस भी इस घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी के साथ साथ खड़े होकर वहां तमाशा देख रहे टीटी को भी बर्खास्त करने की मांग शुरू हो गई थी। जो खबरें सामने आ रही उसके अनुसार पीड़ित को पुलिसकर्मी ने टिकट दिखाने को कहा था और पुलिस ने उसे सिर्फ इस संदेह में भी पीटा था कि वो शराब के नशे में था। उसे वड़ाकरा में ट्रेन में उतार दिया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया है। आपको बता दें केरल पुलिस का हाल में एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी एक विदेशी नागरिक को नए साल के दिन सरकारी शराब दुकान से खरीदी गई शराब की बोतलें खाली करने को मजबूर करते हुए नजर आए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया था।